सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हरि के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हरि को समझाना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। यूहन्ना की पहली पत्री अध्याय 5 वचन 13। यूहन्ना की पहली पत्री अध्याय 5 वचन 13। आइए देखते हैं। मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो, इसलिए लिखा है कि तुम जानो, कि अनंत जीवन तुम्हारा है, और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है, तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उसे मांगा वह पाया है आमेन। मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर की वचन कहती है, यहाँ प्रभु का दास यूहन्ना इस वचन के माध्यम से हमें अनंत जीवन की बातें समझा रहा है और समझाते हुए कह रहा है कि मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो, कहता है कि जितने लोग परमेश्वर के पुत्र अर्थात यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं, कहता है हे भाइयों, मैं तुम्हारे लिए ये सारी बातें इसलिए लिखा है कि तुम जान जाओ। कहता है हे भाइयों, जो तुम परमेश्वर के पुत्र अर्थात यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हो, मैंने तुम्हें ये सारी बातें इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। कहता है अनंत जीवन की बातें बताने के लिए कि अनंत जीवन तुम्हारा है, इसलिए तुम्हारा है क्योंकि तुमने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया, परमेश्वर के पुत्र के ऊपर विश्वास किया। इसलिए वचन कहती है कि और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। कहता है और हमें उसके सामने परमेश्वर के सामने यह हियाव होता है, यह हमें स्मरण होता है, यह याद आता है, और जो कुछ याद आता है वह यह बात है कि हम जब उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो हमारी बातों को वह सुनता है। जब हम उसकी इच्छा के अनुसार मांगते हैं, ना कि अपनी इच्छा से, जब हम कुछ भी मांगते हैं उस परमेश्वर की से परमेश्वर से उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम से जब हम कुछ मांगते हैं और उसकी इच्छा से मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। और जब हम मांगते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं, वचन कहती है जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है, तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उसे मांगा वह पाया है। कहता है वचन कहती है कि जब हम इस बात को जानते हैं कि हम जो कुछ उससे मांगते हैं वह हमें हमारी सुनता हमें देता है, तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ आज तक हमने उससे मांगा और पा लिया है। आमेन।
मेरे प्रियो, हमारा जो परमेश्वर स्वर्ग में बैठा है, उसने हमें मांगने के लिए, हमसे बात करने के लिए अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को भेजा, जिसके द्वारा वह हमारी सुनता है और हमसे बात करता है और हमारे दुखों को, हमारी विपत्तियों को हरता है, हमारे पापों को हमसे दूर करता है। इसीलिए वचन कहती है कि वह परमेश्वर ने अपने पुत्र को अनंत जीवन देने के लिए भेजा है, जिससे हमें इस बात का हिया होता है कि हम उसकी इच्छा के अनुसार यदि कुछ कहते हैं या कुछ मांगते हैं, यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार बातें कहते हैं और मांगते हैं तो हमारी सुनता है। अगर हम अपनी इच्छा या अपना स्वार्थ उसके सामने प्रकट करें तो हमारी नहीं सुनेगा। क्यों? क्योंकि हम उसके द्वारा हैं, ना कि वह हमारे द्वारा है। हम उसके द्वारा उत्पन्न किए गए हैं, इसलिए मेरे प्रियो, हमें उसकी मर्जी के अनुसार हमें सारी बातें प्रकट करनी चाहिए। जो वह चाहता है उसकी इच्छा के अनुसार हमें अपने आप को चलाना चाहिए। हमें जो कुछ की आवश्यकता है या जो कुछ हमें चाहिए, यदि हम उससे मांगते हैं तो हम उसकी इच्छा के अनुसार मांगें कि हे परमेश्वर, हमें इस बात की ज़रूरत है, ये हमारी ज़रूरत, आपकी इच्छा, आपकी मर्जी के अनुसार पूरा हो, तो अवश्य है कि वह परमेश्वर आपकी सुनेगा और आपकी ज़रूरतों को पूरा करेगा। इसलिए इस बात को ध्यान में रखिए, आज तक आपने जो कुछ उस परमेश्वर से उसकी मर्जी के अनुसार मांगा, उसने दिया। इसलिए आप सच में संपूर्ण जीवन आप उसकी मर्जी के अनुसार मांगोगे तो संपूर्ण जीवन आपकी ज़रूरत को पूरा करेगा, और उसकी मर्जी के अनुसार आपको आप जीवन जियोगे तो अवश्य है कि वह अपने मर्जी से आपको अनंत जीवन देगा, क्योंकि वह हर एक को अनंत जीवन देना चाहता है। इसलिए आइए, आंखों को बंद करिए। मैं हर एक के लिए आज सुबह की प्रार्थना करते हैं, जरूर है कि परमेश्वर पूरे दिन आपको सुरक्षित बनाकर रखेगा। हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जगत के निर्माण करता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जगत के ज्योति, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हे महान परमेश्वर, तूने बड़े ही सामर्थ्य अपनी बड़ाई भुजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया। तेरी निगाहें चौबीसों घंटा मनुष्य की चाल चलन पर टिकी रहती। तेरा नाम सेनाओं का यहोवा है। तू ही सच्चा दायित्व तो परमेश्वर, तू ही जगत का कर्ता, जगत का धर्ता है। हे परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ कि स्वर्ग से अपने लंबे हाथों को बढ़ा, ताकि जितने भी लोग तेरी प्रार्थना को सुनने वाले परमेश्वर, हर एक के जीवन में अपनी अद्भुत आशीष को उतार, ताकि हर कोई आशीषों को पाकर तृप्त हो जाए। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते परमेश्वर तुझे धन्यवाद देता हूँ कि आज पूरी रात हर एक को संभाल कर रखा, सुरक्षित रखा, भला चंगा रखा, हर एक को तू अच्छा नींद दिया। हे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आज हे परमेश्वर नई सुबह, नया दिन, नया जीवन हर एक को दिया। हम तुझे धन्यवाद देते हैं, विनती करते हैं कि परमेश्वर जो नया दिन हर एक को दिया है, आज पूरे दिन हर एक को संभाल कर सुरक्षित रख, कि कोई दुख तकलीफ, कोई समस्या, कोई विपत्ति, बीमारी, कलेश, उपद्रव किसी के जीवन में ना आने पाए, ना ही कोई जीवन में दुर्घटना हो। हर प्रकार की बला, हर प्रकार की दुर्घटनाओं से हर एक को बचा कर रख। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, हर एक के जीवन में तू अद्भुत अनोखा सामर्थ उतरने दे हे परमेश्वर, ताकि जीवन में वो हमेशा आनंदित हो। आज पूरे दिन हे परमेश्वर, इनके द्वारा कोई पाप, कोई गुनाह न होने पाए, हर पाप हर गुनाह से इन्हें बचा कर रख। ओ महान परमेश्वर, ऐसा होने दे। प्रार्थना करता हूँ पिता, इनमें से जितने बीमार हैं हे परमेश्वर, जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे, प्रार्थना को सुनने वालों में से जितने बीमार हैं, आज हर एक बीमार यीशु के नाम से चंगा हो जाए, उनके शरीर की सारी बीमारियां दूर हो जाए, सारा दुख निकल जाए, सारी विपत्तियां नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूँ, इनके शरीर के किसी भी भाग में दर्द हो तो हर एक दर्द को आदेश देता हूँ कि दर्द निकल जाए, शरीर के किसी भी अंग में दर्द हो तो नष्ट हो जाए। हे मेरे महान परमेश्वर, इनके आँखों की परेशानियाँ हो तो दूर हो जाए, कान की परेशानियां दूर हो जाए, उनके दांत में परेशानी हो तो दूर हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूँ, रीढ़ के हड्डियों में तकलीफ हो तो रीढ़ के हड्डियों की तकलीफ निकल जाए, ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देता हूँ, उनके शरीर के अंदर दमा, HIV, TB, कैंसर नष्ट हो जाए, जिसका लिवर खराब चंगा हो जाए, जिसका किडनी खराब हो चंगी हो जाए, गैस की बीमारी से चंगाई मिले। प्रभु यीशु के नाम से अपेंडिक्स की बीमारी, हर्निया की बीमारी, फाइलेरिया, थायराइड नष्ट हो जाए,
जिसका हाथ नहीं उठता उठने लगे, पैर नहीं चलता चलने लगे, लकवे का बीमार चंगा हो जाए, ट्यूमर की बीमारी निकल जाए, बाबा सिर की बीमारी निकल जाए, जुकाम खांसी बुखार नष्ट हो जाए, प्रवेशु के नाम से टाइफाइड मलेरिया का बुखार निकल जाए, प्रवेशु के नाम से शरीर के किसी भी भाग में पथली है तो पथली नष्ट हो जाए, प्रवेशु के नाम से उल्टी दस्त की बीमारी, पेचिस पड़ना बंद हो जाए, किसी भी प्रकार का चर्म रोग निकल जाए, खाज खुजलिया नष्ट हो जाए, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे सफ़ेद दाग नष्ट हो जाए, प्रवेशु के नाम से आज्ञा देता हूँ इनके शरीर के अंदर पीलिया स्नोफीलिया की बीमारी लहू पानी की बीमारी हो तो निकल जाए, प्रवेशु के नाम से आगे देता हूँ, जिसके शरीर में कोई दुष्ट आत्मा निकल जाए, दुष्ट आत्मा निकल जाए, जिसके पास संतान नहीं परमेश्वर उन्हें संतान देकर आशीष दे, उनके गर्भ के अंदर सूजन हो सूजन निकल जाए, गिल्टियाँ हो तो गायब हो जाए, प्रवेशु के नाम से गर्भ फलवंत हो जाए, गर्भ में संतान की उत्पत्ति हो, मान परमेश्वर हम प्रार्थना करते, जिसके सर का बाल झड़ता बाल झड़ना बंद हो जाए, प्रवेशु के नाम से आगे देता हूँ कि धात की बीमारी नष्ट हो जाए, धात की बीमारी निकल जाए, प्रवेशु के नाम से आज्ञा देता हूँ शरीर के हर अंग की हर बीमारियां आज अभी इसी क्षण नष्ट हो जाए, प्रवेशु के नाम से आज्ञा देता हूँ। ओ महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते इनके जीवन में अद्भुत अनोखा आशीष उतरने दे, ताकि ये परमेश्वर इनके जीवन में जो भी समस्याएं वो सारी समस्याएं दूर होने पाए। ओ महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते जितने भी पढ़ाई लिखाई करने वाले लोग हैं उनको अच्छी ज्ञान अच्छी बुद्धि से भर दे, पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, अपने हर एक लक्ष्य को पूरा करे, जीवन में सदैव तेरे मार्ग पे चलते रहें। ओ महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर हर एक को तू अच्छी ज्ञान अच्छी बुद्धि दे, ताकि परमेश्वर तेरे बताए गए मार्ग पे हर कोई चलना चालू करे। ओ महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर हर एक के जीवन में हर एक के घर पे आशीष दे, ताकि घर का भंडार भरे, इनके रोजी रोजगार काम धंधे बिजनेस व्यापार के ऊपर आशीष दे, बढ़ोतरी बरकत हो, जिसके पास रोजगार नहीं उसे रोजगार देकर आशीष दे, नौकरी नहीं उसे नौकरी दे। हे परमेश्वर जो गरीबी के श्राप में हो गरीबी के श्राप से छुटकारा पाए, जो कर्ज से दबाए कर्जा से छुटकारा पाए। महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते जिसके पास घर नहीं उसे घर हो, जिसके पास चलने का साधन नहीं चलने का साधन हो, मेरे महान परमेश्वर जीवन की हर मनोकामनाएं पूरी हो। हे परमेश्वर कोर्ट कचहरी में कोई मुकदमा हो तो मुकदमा से बाहर निकले। ओ महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर हर के जीवन में जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे इनके जीवन में हे परमेश्वर अपनी आशीष को आने दे। हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर इनके घर इनके परिवार में लड़ाई झगड़े हैं तो हे परमेश्वर लड़ाई झगड़े समाप्त होने पाए, पति पत्नी के बीच में लड़ाइयाँ हो तो बिल्कुल समाप्त होने पाए, पति पत्नी एक मत एक मन होकर मिलजुल कर प्रेम का जीवन जिए। ओ महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि हर एक के घर परिवार में हे परमेश्वर स्वर्ग की आशीषें उतरने दे, ताकि घर परिवार का हर सदस्य आनंदित और भला चंगा। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर बॉर्डर के नौजवानों के लिए कि परमेश्वर उन्हें अपने स्वर्गदूतों को भेजकर उनकी सहायता उनकी मदद कर, ताकि वे सुरक्षित भले चंगे हो। ओ महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि अपने देश के हर एक व्यक्ति के लिए कि परमेश्वर इस देश में रहने वाले जितने भी लोग हैं हर कोई तेरे आशीष के द्वारा हमेशा भरा रहे। हे परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि जो तुझे नहीं जानते परमेश्वर तुझे जाने और तुझे पहचाने, तुझ पे विश्वास करे, तुझे जाने कि तू ही सच्चा परमेश्वर है। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर इस देश के कानून के लिए कि हे परमेश्वर इस देश की कानून व्यवस्था सही ढंग से चलने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि हे परमेश्वर इस देश में जितने भी शासन प्रशासन के लोग हैं हर एक को अपनी ज्ञान बुद्धि से परिपूर्ण कर, ताकि हे परमेश्वर वे सुरक्षित भले चंगे रहें और अपने देश की सेवा अच्छे ढंग से करने पाए। हाँ मेरे महान स्वामी हम प्रार्थना करते पिता जितने लोग तेरी प्रार्थना को सुनने वाले हैं आज किसी के जीवन में कोई निराशा हो तो परमेश्वर उसकी निराशा को खत्म करके उनकी निराशा पे आशीष दे कि वो आशा में बदल जाए। हे परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं आज किसी के जीवन में कोई प्रकार की हानियां होने वाली है तो हर हानियां को रोक मेरे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं क्योंकि तेरे वचन में लिखा जो विश्वास करता लज्जित नहीं होता है, सब तेरे विश्वास इनके विश्वास के अनुसार इनके जीवन में अनहोना चमत्कार होने दे, क्योंकि प्रभु आपने वचन में कहा है कि जीवन का सोता तेरे हाथ में, हम तेरे प्रकाश के द्वारा प्रकाश पाएंगे, तो प्रभु हम सबके जीवन का सोता तेरे हाथ में देते हैं। हे परमेश्वर तू अपने प्रकाश के द्वारा प्रकाश मान कर, ताकि जीवन का अंधकार और घर का अंधकार परिवार का अंधकार मिटने पाए, क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा हुआ है कि यदि तू परमेश्वर को शरण स्थान और धाम मान लिया कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, ना ही कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि परमेश्वर यहोवा अपने स्वर्ग दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा तू जहाँ कहीं जाए वह तेरी रक्षा करे। ओ महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते अपने स्वर्ग दूतों को इनके लिए आज्ञा दे कि स्वर्ग दूत इनके प्राणों की रक्षा करे, इनके जीवन की रक्षा करे, इनके शरीर के घर परिवार की रक्षा करे। ओ महान परमेश्वर सदैव आनंदित तेरे रक्षा कवच में बने रहे। हे मेरे महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं इनके शरीर के घर परिवार में तू अनहोना आशीष उतार। मेरे महान प्रभु हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह तेरे नाम से हर एक के लिए तेरी आशीष और तेरी चंगाइयां मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद।
अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई नई वीडियो।